नमस्कार बागवान भाइयों, मेरे YouTube चैनल हिमालयन एप्पल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एप्पल प्लांट्स में नॉचिंग किस प्रकार से की जाती है, कब की जाती है और क्यों की जाती है, इस विषय में एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बागवानी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल लो हाइट्स में जो है सेफ लो शुरू हो चुका है और ये समय जो है नॉचिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। जब हमारा प्लांट सिल्वर टिप स्टेज में होता है तो इस वक्त जो है हमें नॉचिंग का कार्य शुरू कर देना चाहिए। तो बागवान भाइयों, आज मैं सबसे पहले आपको जो लास्ट ईयर के जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में कुछ प्लांट्स में नॉचिंग की थी उसके कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एप्पल प्लांट्स में नॉचिंग किस प्रकार से करें। बागवान भाइयों, ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं, इस प्लांट में बहुत कम ब्रांचेस थी, इसलिए हमने इसमें लास्ट ईयर नॉचिंग द्वारा कुछ ब्रांचेस ली है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो निशान है इस ब्रांच के ऊपर, ये इस तरह के ये जो है नॉचिंग के निशान है। आप यहाँ देख सकते हैं, नॉचिंग के बाद इसमें हमें जो है काफ़ी अच्छे फेदर्स मिले हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की फेदरिंग हुई है। बागवान भाइयों, जब हम सिंगल लीडर सिस्टम पे काम करते हैं तो हमें मेन लीडर से बहुत सी ब्रांचेस चाहिए होती है, तो उसके लिए हम नॉचिंग का सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं इस प्लांट में हमने नॉचिंग से बहुत सारी और बहुत अच्छी ब्रांचेस ली हुई है। आप देख सकते हैं इन टहनियों में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है और अब हम इनके बेंडिंग कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बड फॉर्मेशन हो सके। बागवान भाइयों, आजकल बेंडिंग और नॉचिंग का काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने प्लांट्स में बेंडिंग और नॉचिंग का कार्य नहीं किया है तो आप अपने प्लांट्स में ये कार्य कर सकते हैं। इस वक्त जो आप प्लांट देख पा रहे हैं, इस प्लांट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमें ब्रांच की ज़रूरत है और हमें यहाँ पर ब्रांच चाहिए, तो हम इसे इस आँख पर से इस तरह से चाकू की मदद से या किसी आरी की मदद से एक कट कर देंगे। इसकी स्किन को हम यहाँ पर अच्छे से कट कर देंगे। इसे कट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी स्किन जो है इसके अंदर के वुड तक कट जानी चाहिए, इसकी जो कैमियम लेयर है वो कट जानी चाहिए ताकि इसका सेफ फ्लो जो है यहाँ पर रुक जाए और जो आई है ये स्प्राउट होकर हमें यहाँ पर ब्रांच मिल सके। नॉचिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, जिस आँख को हम नॉचिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ हमें ब्रांच चाहिए, हम उस ब्रांच को ऐसी दिशा में सिलेक्ट करें जहाँ जिस ओर हमारे पास ब्रांच नहीं है। हमें डिजायर्ड प्लेस पर जहाँ जहाँ हमें ब्रांचेज चाहिए वहाँ हमें इस तरह से पूरे प्लांट की नॉचिंग करनी है ताकि हमें जो है इसमें अच्छे फेदर्स मिल सके। बागवान भाइयों, इस तरह से हम अपने पूरे प्लांट की नॉचिंग कर सकते हैं ताकि हमें उससे जो है अच्छे फेदर्स मिल सके और हमारे प्लांट से जो है अच्छी प्रोडक्शन हो सके। तो बागवान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।